Hey guys, what's up everybody? This is boy Dipanshu and back at it again with another vlog. So guys, जैसा कि आपको पता है आज 15 अगस्त एंड मैं आया हूँ दिल्ली लाल किला। वहाँ तो बहुत भीड़ है भाई, भीड़ होगी मतलब वहाँ तो बहुत। सो अभी चलते हैं लाल किला, देखते हैं कैसा होता है। अगर भीड़ हुई तो ब्लॉग तो सही नहीं बन पाएगा लाल किला। बहुत जगह जाएंगे आज, मतलब मस्त होने वाला ब्लॉग बहुत। एंड तक देखना ब्लॉग का एंड वाला है। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। एंड लाल किले में बहुत ही भीड़ होगी, सो इसलिए थोड़ा सा हमें वो रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। तो अभी तो बहुत सिक्योरिटी खड़ी होगी लाल किले के पास, तो अभी लाल किले जाके मिलते हैं। बाकी तो मुझे पता ही है कितनी भीड़ होगी वहाँ पे, और आज सभी जगह के लिए कोई भी पास नहीं है, और बस लाल किले के लिए VIP पास है, तो हमें अंदर नहीं जाने देंगे, बाहर से देखनी पड़ेगी। एंड भीड़ हुई तो वो भी नहीं देखनी पड़ेगी। तो भाई अभी चलते हैं, मिलते हैं लाल किले के पास। तो लेट्स सी करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। वैसे कौन सी साइड है यार? मैं बिल्कुल डिवाइडर पे। इंडिया गेट लाल किले पे तो भाई कुछ नहीं मिला, इंडिया गेट जा रहे हैं। इंडिया गेट में देखते हैं क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता। तो अभी पूरी इंडिया गेट जा रहे हैं। ओके सो गाइस, अभी मेट्रो का इंतजार कर रहे हैं अपन लोग, तो अभी मेट्रो नहीं आई, देखते हैं उसके बाद। मेट्रो इंडिया गेट जा रहे हैं, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इंडिया गेट जाके मिलता हूँ। ओके गाइस, तो अभी जा रहे हैं इंडिया गेट। अभी मेट्रो से आए थे, अगर आपको मेट्रो से इंडिया गेट आना है तो सबसे पहले आपको उतरना पड़ेगा सेंट्रल सिक्योरिटी ट्रेड, उतरना पड़ेगा यहाँ से। इंडिया गेट पास ही पड़ता है। तो ओके सो गाइस, अभी इंडिया गेट घूमे आए, और इंडिया गेट और लाल किले में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है आज के दिन, तब बंद है लिटरली, तब बंद है भाई। गाइस मैं अभी ब्लॉगिंग करता हुआ जा रहा था, और देखो ये क्या दिखा, मतलब ये जैगवार खड़ी है बिल्कुल। 15 अगस्त पे ऐसी करवा के रखी हुई है, इंडिपेंडेंस डे एकदम मस्त एकदम। तो झंडे के कलर में करवाया है पेंट इस पर, सो बहुत ही मस्त लग रही है भाई। सब यहाँ फ़ोटो वोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। ओके गाइस, लिटरली बहुत मतलब प्यास लग रही है, बहुत देर से घूम रहे हैं, आई मीन बहुत देर से यार, बहुत देर से प्यास लग रही है। तो अभी मैं ये बोतल में ये पानी भी ख़त्म हो गया, अभी पानी ढूंढ रहा हूँ यार, बहुत देर से प्यास लग रही है, बहुत तकड़ी भाई, गला सूखा जा रहा है। एंड अभी देखता हूँ कहाँ पानी मिलता है, अभी चल रहे हैं पानी की तलाश में धीरे धीरे, फिर कुतुब मीनार की साइड को चल रहे हैं भाई। एंड अभी पानी जो मिल रहा है 20 रुपये की बोतल मिल रही है, पर ख़रीदने से क्या फ़ायदा, बिकॉज वो दोबारा ख़त्म हो जानी है। पर ऐसे हम नहीं खरीदेंगे भाई, लिटरली पानी भरने का ढूंढते हैं कहीं से, फिर आराम से चलते हैं। बस पानी तो नहीं मिला पीने के लिए, पर इसलिए मिली है ये, जिसे पी के थोड़ी बहुत एनर्जी आ चुकी है। सकती हूँ कटवाया कुतुब मीनार को, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाना पड़ेगा हमें ये इधर। ओके सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो मैं आया हूँ 15 अगस्त का कुतुब मीनार, और 15 अगस्त पे एक ही चीज़ खुली हुई मिली है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर इधर।
बस भाई कुतुब मीनार खुली हुई मिली है 15 अगस्त पर, और कुछ नहीं खुला हुआ मिला, सब लाल किला भी बंद, इंडिया गेट भी बंद, सब कुछ बंद है भाई, बस यही चीज़ खुली हुई मिली है, इसलिए मैं यहीं आ गया भाई, क्योंकि मैं हुआ था दिल्ली इसी चीज़ के लिए 15 अगस्त के लिए, और कुछ तो मनाना ही था, तो इसलिए मैंने यही मतलब कुतुब मीनार चुनी लोकेशन। इसके बाद भी जाऊँगा, इसके बाद अगर जाऊँगा तो मैं आपको बता दूँगा, तो लेट्स से अभी तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो भाई एक बार नज़ारा कुतुब मीनार का, ओके। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कमरा, इसमें कुछ नहीं है भाई सिवा, मतलब कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, आवाज़ गूंज रही है, ये देखो, ओ ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ। तो आवाज़ गूंज रही है, बस ये खाली कमरे पड़े हुए हैं 2-3 ऐसी। ये भाई सिंगल लाइफ जीनी चाहिए अपन को, सिंगल लाइफ जी रहे हैं अभी तो। बट ये कमरा बहुत ही मतलब रात में तो बहुत ही अच्छा लगता होगा, और कुतुब मीनार बहुत मतलब बॉम है अंदर से यार, मैं पहली बार आया हूँ कुतुब मीनार, बाकी हम लाल किला भी गए थे उधर से, तो अभी आप देख सकते हो मुँह हाथ धोने हो गया बस ये। बेकार है ये कुतुब मीनार का पानी है गाइस, ये मतलब पार्क में मिलता है यहाँ से, पार्क को मतलब घास में पानी लगता है शाम के टाइम, तो मैंने यहाँ से बोतल भर ली भाई, बहुत प्यास लग रही थी, तो बहुत खारा पानी है, खारा ये बस स्मूद हो सकते हो आप यहाँ पर, और कुछ नहीं है भाई, ये बहुत खारा पानी है। इधर से मैंने पूरी बोतल भर ली, अभी टेस्ट करके देखा तो भाई देख सकते हो इसमें अब थोड़े थोड़े बुलबुले भी उठ रहे हैं, बैक्टीरिया वगैरह, तो बहुत गंदा पानी है, बस पानी तो यार दिल्ली में कहीं नहीं मिला खुला पानी, ओपन वाटर कहीं नहीं मिला, पीने बोतल ही मिली थी भाई। मीनार के पीछे पार्क, और ये पार्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, जैसे बड़ा पब होता है उसी तरह का पार्क है ये। पानी कैसा लगा भाई? पानी बिल्कुल बेकार था, नमकीन नमकीन सा था, खारा खारा, ये सब नमकीन नमकीन सा था, खारा खारा, जैसा 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 नमक मिलाए पीते हैं, जैसा समुंदर का पानी रहता है भाई, समुंदर का पानी मिल जाएगा भाई आपको यहाँ पर, तो मीनार में भाई बहुत अच्छी क्वालिटी का समुंदर का पानी मिलेगा तो तुम मीनार के पास आपको। बताओ एक बार आप बताओ कैसा था तुषार भाई? गजब था, गजब गजब था, गजब पानी देख लो भाई, आपको पानी चाहिए नहाने के लिए, चाहिए तो नहाने के लिए ले सकते हो, बाकी पीने के लिए तो बेकार है। तो अभी कुतुब मीनार का पानी कुतुब मीनार की घास में डाल देते हैं वापस, यार भाई पानी बहुत बेकार है, पेट में दर्द हो रहा है, पानी पी के कभी कुतुब मीनार का पानी मत पीना भाई अंदर से, तो यही बता रहा हूँ। ये हवाई जहाज तो सर बैठ जाए इसमें, और सब तो ठीक है, बाकी बस पानी बेकार है भाई कुतुब मीनार। अभी जो है हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, और हमें घर भी जाना है, लोटस टेम्पल भी जाना है फिलहाल अभी, तो अभी देखते हैं कैसा रहता है, क्या करते हैं अभी, जो भी करेंगे भाई ब्लॉग में चलता रहेगा आगे जो भी करेंगे, तो अभी बाकी सब तो ठीक है, बाकी ये सब बस पानी बेकार है कुतुब मीनार का अंदर से, मैंने पानी ऐसी जगह है कुछ आप देख सकते हो, यहाँ से रास्ता है भाई कुतुब मीनार का अंदर का, भाई देख सकते हो मेरे जस्ट पीछे कुतुब मीनार है, तो भाई टक्कर हो गई अपन की। क्या कर रहा है वे? फोन की वीडियो बना, एक स्टोरी बनी है, एक रील बनी है, वहाँ आऊँगा मैं। गाइस आप देख सकते हो यहाँ से कुतुब मीनार आधी दिख रही है, आधी जो है वॉल वॉल से छिपी हुई, आई मीन दीवार से छिपी हुई आधी कुतुब मीनार। सो अभी बारिश का मौसम था, और जस्ट एकदम जस्ट बारिश का मौसम था, और एकदम जस्ट धूप का मौसम हो गया, तो देख सकते हो यार आप कितनी मस्त लग रही है, मतलब बहुत ही बॉम भी आ रहा है जैसा कि आपको लग रहा है, तो लेट्स सी देखते हैं आगे। अभी हम जो घूम लिए 5-6 जगह घूम लिए, कहाँ कहाँ घूम लिए, अभी हम कहाँ पर, लाल किला, लाल किला, जामा मस्जिद, जामा मीनार, और इंडिया गेट, और अभी जो जाने वाले हैं वो लोटस टेम्पल जाने वाले हैं, तो अभी वहीं मिलते हैं अभी तो कुतुब मीनार, बाकी मतलब ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ पर, पानी अभी कहीं नहीं मिला, ओपन ओपन वाटर मतलब खुले थे, पानी नहीं मिला, जो बोतल भर लूँ मैं अपनी, तो
अभी तो चलते हैं, तो गाइस अभी मिलते हैं आगे कैसा रहता है व्लॉग, तो व्लॉग में बने रहें। अगर आपको अच्छा लग रहा है व्लॉग तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, तो सब कुछ कर देना। तो अभी मिलते हैं आगे। ओके सो गाइस, मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी जो मेरा माइक और ट्राइपॉड था वो बाहर ही, मतलब जितने भी लोग थे, दो तीन लोग और थे मेरे साथ नहीं थे, मतलब जो बाहर से आए हुए थे लोग, उनका माइक और ट्राइपॉड भी बाहर जब्त कर लिया, मतलब जमा कर लिया अभी, तो वो कह रहे हैं कि अब जब आप आओगे तो मैं इसे दे दूँगा, मतलब दे दूँगी, वो लेडीज़ गार्ड थी। तो अभी अगर उन्होंने नहीं दिया तो भाई मेरे पास तो एक ही फंस जाएगा मामला, तो अभी लेट्स ही देखते हैं, अगर वो देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो छीन लेंगे भाई, तो वैसे तो दे ही देंगे आराम से। तो वैसे मैं अपना नाम नोटिस और अपना चेहरा दिखा गया कि भाई मेरा चेहरा नोटिस कर लो। ओके तो गाइस, मतलब मैंने कहा मेरा चेहरा नोटिस कर लो, तो उन्होंने मेरा चेहरा देखा, नाम पूछा, बोल देते जब आप आओगे अंदर से तो उसे दे दूँगी। तो अच्छा अभी चलते हैं बाहर, रोटी मतलब रोटी में बांध के लाया था, कहते मुझे पता था नहीं मिलेगी यहाँ पे, बहुत महंगी मिलती है भाई, तो पानी तो मिलता ही है, ओपन वाटर नहीं मिलता है, फिर ओपन रोटी नहीं मिलती। तो अभी लेट्स सी, मैं बांध के आया था पराठे, 6-7 पराठे लाया था, तो उसे खाते हैं। एंड अभी देखते हैं आगे, लोटस टेम्पल का प्लान है तो वहाँ भी जाएंगे। रस्सी से स्लिप हो गया था गिर गया था, यहाँ चोट लगी है, यहाँ इधर चोट लगी है, इधर ऐसी रस्सी थी, इससे से मैं पैर रख के चल रहा था भाई, स्लिप हो गया, गिर गया था भाई, सो गिर गया था, स्लिप हो गया था, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो लेट्स सी, देखते हैं, चलते हैं आगे। ओके गाइस, अभी कुतुब मीनार से एग्जिट ले लिया है, अभी अपना ट्राइपॉड माइक वाइक सब वगैरह लेके जाऊंगा। ओके सो गाइस, कुतुब मीनार से एग्जिट लेने के बाद दोबारा एंट्री होन पर जाना पड़ेगा, उसके बाद जो है अपना ट्राइपॉड माइक मिलेगा, तो अभी लेके चलते हैं, फिर देखते हैं, पहले तो दे ही देंगे, एंट्री उन दोबारा करनी पड़ेगी एग्जिट के बाद। तो अभी एग्जिट हो रहे हैं, देख सकते हो आप, एंट्री उन पर आ चुके हैं, अपना यहाँ से ट्राइपॉड माइक सब लेके जाऊँगा, तो यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे भाई माइक तो छीन लिया, आवाज़ जैसे आ जाए बेकार। ओके गाइस, माइक तो मिल चुका है, फ्री वाईफाई जोन ऑडियो के साथ, तो लेट्स सी चलता है, कुतुब मीनार एग्जिट कर चुके हैं। कुतुब मीनार तो मतलब बहुत अच्छी थी, पानी बेकार था, कुतुब मीनार अच्छी थी। गाइस यहाँ तो बहुत भीड़ है, हमें पानी मिल गया फाइनली, 10 रुपये की बोतल भरी है। एंड अभी थोड़ी शांत जगह जाके बात करता हूँ, तो आगे मिलते हैं, थोड़ी शांत जगह जाके पीसफुली बात करता हूँ। गाइस आप ट्रैफिक देख सकते हो कितना चल रहा, और हम जा रहे हैं रोड के किनारे किनारे पैदल, एंड अभी सही से नहीं आ रही, बिकॉज उसने माइक छीन लिया था, बहुत गुस्सा आ रहा है भाई पर। तो एंड हम जा रहे हैं लोटस टेम्पल मेट्रो स्टेशन से, सीधा मेट्रो पकड़ेंगे एंड सीधा फिर लोटस टेम्पल को निकलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। बस अभी तक तो तीन चार जगह घूमे और तीन चार जगह में से सीधी बस कुतुब मीनार खुली हुई मिली थी, बाकी वहाँ का टिकट सब फ्री था। 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे को सब फ्री रहता है भाई, सब कुछ खुले, सबके टिकट फ्री मिलते हैं, तो आप कभी जाओ तो 3-4 बंदे जाना, सबके टिकट फ्री मिलेंगे। तो अभी जाते हैं लोटस टेम्पल एंड देखते हैं वहाँ कैसा रहता है। ओके गाइस, मैप ने पहली बार एक चीज़ सही बताया कि भाई लोटस टेम्पल बंद है अभी, तो अभी तो बंद है लोटस टेम्पल, पर ऐसा नहीं है कि मैं चला जाऊँगा, मैं यहाँ से तुम्हें सब कुछ दिखाऊँगा इसकी वीडियो। तो अभी ऊपर चढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर ये चढ़ा हुआ है भाई, यहाँ मुझे भी चढ़ना पड़ेगा अभी, तो यहाँ से दिखाता हूँ मैं तुम्हें इसकी वीडियो बना के एक बार। ओके सो गाइस, मैं अभी ऊपर बैठा हूँ एंड यहाँ से तुम्हें इसका थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ लोटस टेम्पल का। ये देखो भाई, भाई का सीन है यार, मतलब बिल्कुल, अगर यहाँ पे आए हैं तो तुम्हें कुछ दिखा के भी जाऊँगा, ऐसा नहीं है। ये देखो भाई, अभी बंदे शाम को 7 या 8 बजे से खुलेगा ये, तो शाम को 7 या 8 बजे से खुलेगा, अभी तो ये फ़िलहाल बंद है। तो आप देख सकते हो भाई कौजा बिहार, अभी बंद है, शाम को 7 या 8 बजे से ओपन होगा, तो इतना तो टाइम नहीं है अपन के पास, मतलब भाई के पास, तो अभी यहाँ से देख लो आप बस। ओके सो गाइस, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, बिकॉज मुझे इस व्लॉग को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत ही मेहनत, बिकॉज 15 अगस्त भी था
और लाल किला भी बंद था, जामा मस्जिद भी बंद थी और एंड उसके बाद इंडिया गेट गए वो भी बंद था। तो हमें जो खुला मिला लोटस टेम्पल भी बंद मिला, बस कुतुब मीनार खुली मिली। तो अभी कुतुब मीनार भी देख ली, सब कुछ देख लिया, मतलब आज 4-5 जगह घूम लिए गाइस। ये अपना मतलब है रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड बना दिया भाई मैंने आज घूम के 4-5 जगह। तो लाइफ में पहली बार इतनी जगह एक दिन में घूमा, वो भी दिल्ली में। भाई दिल्ली में घूमना आम बात नहीं है, 4-5 जगह वो भी एक साथ एक दिन में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ब्लॉग अच्छे लगे तो यार लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना एंड कमेंट भी करना। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, लेट्स सी।